राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम मार्म गोवा बंदरगाह। मुंबई से कैप्टन अशोक का जहाज पश्चिमी तट के साथ साथ मार्म गोवा की ओर चल पड़ा है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। मुंबई से जैसे जैसे आगे चलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ तट के साथ साथ दिखाई देते हैं, मानो दीवार हो। सोनू उन्हें देखकर उत्सुक हो उठा है। चाचा जी, इतने ऊंचे पहाड़। देखा कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये। हाँ। बेटा, इन्हें वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट कहते हैं। अच्छा। ये एक पर्वत श्रृंखला है जो अरब सागर के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। पुराने समय में इस पर्वत श्रृंखला को पार करना बहुत कठिन था। केवल तीन दर्रों से ही इसे पार किया जा सकता है, थाल घाट, पाल घाट और मोर घाट। बाद में इन्हीं दर्रों में से रेल मार्ग और सड़कें बनाई गईं। ये दर्रा क्या होता है चाचा जी? मैं बताता हूँ। देखो सोनू, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सकरे और निचले स्थानों को दर्रा कहते हैं। अच्छा। पुराने समय में ये दर्रे इतने दुर्गम होते थे कि इन्हें पार करना बहुत कठिन था। अरे, ये तो घने जंगलों से ढके हुए हैं। और इसकी वजह है पश्चिमी घाट पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा का होना। इसीलिए यहाँ पतझड़ वाले वन और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों में सदाबहार वन हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। अच्छा। थोड़ी देर में कैप्टन अशोक और सोनू मार्म गोवा पहुँच गए। सोनू दृश्यों में इतना खोया हुआ था कि उसे तो पता ही नहीं चला। सोनू। हाँ। कहाँ खोए हो? जानते हो, हम मार्म गोवा बंदरगाह पहुँच गए हैं। अच्छा। हाँ, ये बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। अरे वाह। और पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा भारत के छोटे राज्यों में से एक है। हाँ, मार्म गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पुराने बंदरगाहों में से एक है। सन 1963 में इसे बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में रखा गया। अच्छा। और आज मार्म गोवा पत्तन भारत के अच्छे बंदरगाहों में से एक है। ये बंदरगाह मांडोवी नदी के मुहाने पर स्थित है। चाचा जी, मैंने सुना है कि गोवा के लोगों को संगीत बहुत पसंद है। ये तो भाई सभी जानते हैं कि गोवा के लोग मौज मस्ती करते हैं संगीतमय होकर। अच्छा। अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम यहीं बैठे रहोगे या बंदरगाह के आसपास की जगह भी देखने चलोगे? नहीं नहीं, चलिए चलिए। तो आओ फिर, देर। हाँ। आओ। चाचा जी, ये गंध कैसी है? बेटा, ये सूखी मछलियों की गंध है। सूखी मछलियों की? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो सामने देखो, वो क्या है? अच्छा, वहाँ तट पर मछलियाँ सुखाई जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ के तटवर्ती इलाकों में मुख्य धंधा मछली पकड़ना है। बिल्कुल ठीक, तुम तो बहुत समझदार हो गए। और वो देखो सोनू, मछलियों को कैसे सुखाया जा रहा है। चाचा जी, ये मछलियों को सुखाकर ऐसे ही डिब्बे में बंद करते हैं क्या? नहीं बेटा, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से डिब्बा बंद किया जाता है और फिर इन्हें देश विदेश में भेजा जाता है। अच्छा, वैसे चाचा जी, इस बंदरगाह से और कौन कौन सा सामान विदेशों को भेजा जाता है? सुनो बेटा, मार्म गोवा पत्तन
भारत के उन बंदरगाहों में से एक है जहां से मुख्यतः आयरन ओर यानी लौह अयस्क विदेशों को भेजा जाता है। भारत का 40% लौह अयस्क यहीं से बाहर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गोवा में काफी मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। अच्छा, इसलिए भारत से कच्चे लोहे का निर्यात बड़ी मात्रा में यहीं से करते हैं। मार्मगोवा बंदरगाह से अधिकतर कच्चा लोहा जापान को भेजा जाता है। और हाँ, काजू और कॉफी भी यहाँ से विदेशों को भेजे जाते हैं। काजू? चाचा जी, गोवा तो काजू के लिए मशहूर है, तो आप मुझे काजू के बाग दिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह। अच्छा, जानते हो सोनू, काजू तो खाया जाता है। हाँ। पर उसके ऊपरी हिस्से से फेनी बनती है, कोकम का जूस और नारियल पानी भी यहाँ बहुत मिलता है। नारियल पानी? वो तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पता है। और जानते हो, काजू के छिलके से तेल निकलता है। और इस तेल का इस्तेमाल मशीनों को चलाने में होता है। ये काजू से इतनी सारी चीजें बनती हैं। वैसे चाचा जी, काजू और लौह अयस्क के अलावा और क्या सामान यहाँ से विदेशों को भेजा जाता है? भाई, रासायनिक खाद, खाने के तेल और ग्रेनाइट पत्थर। बात करते करते सोनू और कैप्टन अशोक बाजार में निकल आते हैं, जहां पर गांव वालों ने हाट लगाई है। सुंदर सुंदर सीपियों से बनी हुई वस्तुओं को देखकर सोनू का मन करता है कि पूरा का पूरा हाट ही खरीद ले। इतनी सुंदर सुंदर झालर, चाचा जी मुझे चाहिए। वो सीपियों की झालर दिला दीजिए ना चाचा जी। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम ये पैसे लो और जाकर ले लो। जा, अच्छा। जा, जा। ये देखिए चाचा जी। अरे वाह, क्या बात है, वाकई बहुत सुंदर सीपियों की झालर है। अच्छा, अब इस झालर को तुम संभाल कर रख लो। हाँ। और अब मेरे साथ चलो, तुम्हें मार्मगोवा का किला दिखाता हूँ। हाँ, चलिए। चाचा जी, ये किला तो बहुत पुराना लगता है। हाँ बेटा, यह किला बहुत पुराना है। गोवा में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली लोग आए। उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई, मार्मगोवा और पणजी जैसे नगर बसाए। यहाँ के भवन निर्माण पर उनकी छाप साफ साफ दिखाई देती है। कुछ समय पहले तक मार्मगोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। अच्छा, तो उसी दौरान यहाँ ये किला बनाया गया था। इस किले पर शिवाजी और पुर्तगालियों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। इसका मतलब पुर्तगाली गोवा में काफी समय से थे। हाँ बेटा, गोवा सन 1510 से लेकर सन 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था। लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया। 450 साल? इसलिए यहाँ के रहन सहन, खाने पीने, पहनावे, मकानों की बनावट आदि पर पुर्तगालियों का असर साफ साफ दिखाई देता है। वास्को डा गामा भी पुर्तगाली थे ना? जो भारत आए थे? हाँ बेटा, और वास्को डा गामा के आने से भारत के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ आया। इतिहास में बड़ा मोड़? वो कौन सा मोड़ था चाचा जी? सुनो बेटा, यूरोपीय महाद्वीप से एक पुर्तगाली व्यापारी दल सन 1498 में केरल के तट पर कालीकट पहुंचा। जिसके कप्तान थे वास्को डा गामा। इसके बाद से यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारी भारत आते रहे। और इसी घटना से भारत के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ आया। ठीक है। कालीकट से पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए हमारे देश के विभिन्न भागों में पहुंचे। उस समय गोवा बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। अच्छा। बीजापुर के सुल्तान को निकालकर सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया, जो सन 1961 तक
कायम रहा। फिर 17 दिसंबर सन 1961 को भारतीय फौजों ने इसे आजाद कराया। इसका मतलब गोवा सन 1961 में आजाद हुआ। इस तरह बातचीत करते करते कैप्टन अशोक और सोनू पणजी पहुंचते हैं, जो अब गोवा की राजधानी है। चाचा जी, ये देखिए, यहाँ के मकान कितने अलग दिखाई देते हैं। हर मकान की अपनी छोटी सी बालकनी है। बिल्कुल है। काफी खिड़कियां हैं। देखिए कितनी लंबी और चौड़ी हैं। कितने सुंदर घर हैं। हाँ भाई, पुर्तगालियों की छाप जो है गोवा के घरों में। और यहाँ के गिरजा घर तो देखे ही हैं तुमने। हाँ। कितने बड़े बड़े, कितने आलीशान हैं। हाँ चाचा जी, सेंट फ्रांसिस जेवियर का चर्च बहुत बड़ा है। बेटा, देश विदेश से लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। अरे हाँ, याद आया, हमारी मैडम मिसेस ब्रिगांजा भी हर साल दिसंबर में गोवा आती हैं। उन्होंने हमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के चर्च के बारे में बताया था। जानते हो, गोवा का क्रिसमस कार्निवल तो बहुत ही मशहूर है। कार्निवल यानी उत्सव? हाँ, ये कार्निवल गोवा वासियों का नए वर्ष का उत्सव होता है। अच्छा। इस कार्निवल के मौके पर तरह तरह की झांकियां निकाली जाती हैं। झांकियां? हाँ, और दुनिया भर से पर्यटक इस कार्निवल को देखने के लिए विशेष रूप से गोवा आते हैं। चाचा जी, ऐसा करेंगे, अगली छुट्टियों में हम सब मिलकर गोवा आएंगे कार्निवल देखने, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, फिलहाल एक काम करते हैं सोनू। वो क्या चाचा जी? मछली पकड़ने चलते हैं, चलोगे? आपको आती है मछली पकड़नी? हाँ। अरे वाह, फिर जल्दी चलिए ना। अरे रुको तो सोनू, भाई मछली पकड़ने का सामान तो ले आऊं। जल्दी लेकर आइए। अरे पर तुम दौड़ के कहाँ जा रहे हो? रुको तो। हाँ, रुक रहा हूँ। आ रहा हूँ। तो दोस्तों, सोनू और कैप्टन अशोक तो चले गए मछली पकड़ने। आगे की उनकी समुद्री यात्रा कितनी रोचक होगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मार्म गोवा बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।